हेलो फ्रेंड्स, सेवन एलिमेंट्स पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ रूफ ट्रस डिजाइन और उसका बजट का बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये वाला हम लोगों का साइट था पेलिंग उत्तर, मतलब सिक्किम जोरथंग से लेके फिर देनथम जाना पड़ता है। देनथम से 8-9 किलोमीटर ऊपर उत्तर बोल के एक जगह है, वहाँ का ये वाला हम लोगों का साइट है। यहाँ पे ट्रस्ट का हम लोगों का फुल कॉन्ट्रैक्ट था फ्रेंड्स, जैसे सामान, मटेरियल्स, फिटिंग्स, ट्रैवलिंग कॉस्टिंग, टोटल हम लोगों का ही चार्जेस था। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे हम लोगों का देख रहे हैं आप लोग, जो यहाँ पे हम लोगों का लोहे का काम हो चुका है ऑलमोस्ट कंप्लीट। तो यहाँ पे अभी हम लोग तीन फिटिंग्स कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो अप्रोक्स यहाँ पे हम लोगों का 52 पीस 1.5x1.5 इंची का लोहा लगा था, बॉक्स पाइप 1x1.5 इंची का बॉक्स पाइप लगा था 32 पीस, और 3 इंची वाला बॉक्स पाइप लगा था 6 पीस। तो आप लोगों को पार्ट बाई पार्ट हम लोग बजट भी डिस्कस कर लेंगे फ्रेंड्स, कितना क्या कॉस्टिंग आया था तो आप लोगों को दिखा रहे। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ किए थे टाटा का 47mm का टीना, टाटा ब्लू स्कोप ये वाला टीना यूज़ किए थे, और जितना सारा सामान था सब A1 क्वालिटी और बहुत ही हल्का नहीं, मतलब वेट ही वाला हम लोग आयरन लोहा यूज़ किए थे यहाँ पे। जैसे 3 इंची वाला बॉक्स पाइप का लगभग एक पाइप का वेट था 30 kg, इससे भी सस्ता वाला मिलता है। लेकिन क्या बोलना चाहते हैं हम लोगों का कंपनी का 15 साल का ट्रस्ट का गारंटी हम लोग देते हैं, इसलिए सामान पे हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं फ्रेंड। देखिए 47mm का टीना, टाटा ब्लू स्कोप, तो सब बजट हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए दिखाते हैं फ्रेंड्स अब लोगों को, पहले थोड़ा और कुछ काम हम लोगों का दिखाते हैं। प्रोजेक्ट हम लोगों का टोटल 22 डेज पे खत्म हुआ था फ्रेंड्स। तो चलिए अभी बजट के बारे में आप लोगों से डिस्कस कर लेते। तो 3 इंची बाई 3 इंची बॉक्स पाइप हम लोग, एक पाइप का वेट था 30 kg, इंटू 6 पीस लगा था यहाँ पे, तो 180 kg। 1.5 इंची बाई 1.5 इंची बॉक्स पाइप हम लोगों का 52 पीस यहाँ पे लगा था, एक पाइप का वेट था 14 kg, मतलब 52 करने से तो आपका 728 kg। और 1 इंची बाई 1 इंची बॉक्स पाइप का था 32 पीस था, 8 kg एक पाइप का वेट था, जिसका लेंथ था 20 फीट, मतलब सब पाइप का ही 20 फीट लेंथ होता है। तो यहाँ पे इंटू 8 kg इंटू 32, मतलब 256 kg, मतलब ऑलमोस्ट हम लोगों का अप्रॉक्स आयरन मतलब पाइप आया था 1150 kg का करीब करीब। तो यहाँ पे हम लोगों का पाइप का कॉस्टिंग गया था फ्रेंड्स 82,000 का करीब करीब। तो यहाँ पे हम लोग दो टाइप का टीना लगाए थे, एक 10 फीट का एक 12 फीट का। तो टीना हम लोगों का टोटल लगा था यहाँ पे 52 पीस, मतलब 26 पीस 10 फीट का था, और 26 पीस था मतलब 26 पीस था 12 फीट का। तो यहाँ पे टीना का जो रेट है मार्केट प्राइस 192 फीट है, 192 से लेके 200 रुपीज फीट टाटा ब्लू स्कोप 47mm का टीना मतलब मार्केट का प्राइस है। तो ऑलमोस्ट हम लोगों का 1,10,000 का करीब टीना पे खर्च हुआ था। फिर लाइनर सीट का बारे में आप लोगों से डिस्कस कर लेते। लाइनर सीट हम लोग JSW का यहाँ पे लगाए थे,
जो पार पीस 1250 से लेके 1350 तक मार्केट से मिल जाता है होलसेल रेट पे। तो हम लोग का यहाँ पे 9 पीस लाइनर सीट लगा था जो ऑलमोस्ट 11000 का 11000 का करीब हम लोगों का खर्चा हुआ था फ्रेंड्स। उसके बाद चले आते हैं मोहब्बत है, मतलब जाली वाला जो डिजाइन फ्रंट पे लगा हुआ था, वो वाला जाली वाला जो डिजाइन मिलता है वो यहाँ पे 25 पीस लगा था, जो एक पीस का दाम है 210 से लेके 300 तक, तो 25 पीस का दाम लगभग 5250। उसके बाद ड्रेन मतलब नाली जैसे 6 इंची का हम लोगों का 10 पीस था, डाउन पाइप था, उसका साथ स्क्रू था, हाँ वेल्डिंग रॉड, कटिंग ब्लेड, ग्लास, ये सब के लिए हम लोगों का ऑलमोस्ट 20000 का करीब खर्चा हुआ था। तो टोटल सामान हम लोगों का अप्रॉक्स आया था 230000 से 240000, 230000 से लेके 240000 सामान आया था। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, मिस्त्री का कॉस्टिंग, खाना पीना, ये सब का खर्चा अलग था। तो अगर कोई भी काम हो फ्रेंड्स इंटीरियर का, हम लोगों का कंपनी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ऐसे ही इंटीरियर डिजाइनिंग का रेट जानने के लिए, मजेदार वीडियो पाने के लिए हम लोगों का चैनल को सब्सक्राइब कर रख सकते हो फ्रेंड्स। आज इतना ही, फिर मुलाकात होगा हम लोगों से नेक्स्ट वीडियो पे। बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।